नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में दोस्तों जैसा कि इस समय आपके लिए हम एम लेकर आए हैं जो कि एन हिस्ट्री क्लास सिक्स की है आज हम चैप्टर टू ऑन द ट्रेल ऑफ़ द अर्लीस्ट पीपल की पार्ट टू एम लेकर आए हैं दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और जो भी आपसे पढ़ाई से रिलेटेड क्वेरीज हैं या डाउट्स हैं उन्हें आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखिए हम उन्हें जल्द से जल्द आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स हंसगी आर्कियोलॉजिकल साइट कर्नाटका भीम रॉक शेल्टर्स मध्य प्रदेश कुनूल केव्स आंध्र प्रदेश आपको ये बताना है इनमें से कौन सा पेयर मैच है या फिर नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग एव पेयर इज आर मैच वन ओनली वन एंड टू ओनली वन एंड थ्री ओनली या ऑल ऑफ द एबव जैसा कि आपको क्वेश्चन देखकर ही पता चल रहा है कि इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव आपका जो हंसगी आर्कियोलॉजिकल साइट है वो कर्नाटका में लोकेटेड है भीम का रॉक शेल्टर्स आपके मध्य प्रदेश में है और कुरनूल केव्स आपकी आंध्र प्रदेश में है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है आपको इन तीनों की लोकेशन बहुत ज़रूरी पता होना अक्सर ये पूछा जाता है कि हंसगी कहाँ पर लोकेटेड है तो आपको बताना होगा कर्नाटका भीम मध्य प्रदेश कुरनूल केव्स आंध्र प्रदेश सेकेंड क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स स्टोन टूल्स वर यूज बाई मैन टू डिक ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट सेय मैन टू स्टिच क्लोथ आउट ऑफ एनिमल्स किन सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवेन बिलो वन ओनली टू ओनली बोथ एंड नन ऑफ द एब आपको पता है स्टोन टूल्स जो यूज होते थे वो मैन जनरली हर कामों के लिए अपने स्टोन टूल्स ही यूज करते थे उस समय टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी तो टेक्नोलॉजी का कुछ भी पता ही नहीं था उस समय तो तो लोग स्टोन से ही सारे काम करते थे तो स्टोन टूल्स फॉर यूज टू कट मीट स्क्रैप बार्क डिग आउट एडिबल रूट्स एंड स्टिच क्लोथ फ्रॉम एनिमल हाइट्स तो इसका आंसर करेक्ट होगा आपका बोथ वन एंड टू क्वेश्चन नंबर थ्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट पैलियोलिथिक एज कवर्स नाइंटी नाइन परसेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन सेकेंड Paleolithic age is द earliest phase ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द code given बिलो वन ओनली टू ओनली बोथ या none ऑफ द above. आपको पता है पैलियोलिथिक एरा आपकी सबसे पहले अब से ओल्डेस्ट है इसका आंसर भी बोथ होगा आपका जो फर्स्ट और सेकेंड है दोनों ही आपका सही है पैलोलिथिक एज कवर करता है नाइन्टी नाइन परसेंट ह्यूमन सिविलाइजेशन की और पैलोलिथिक एज ही आपकी सबसे अर्लीस्ट फेज है ह्यूमन सिविलाइजेशन की तो इसका आंसर सी होगा बोथ question number four why did hunters gatherers moved from place to place one in search of food second because of change in season which of the following above pairs is our matched one only two only one and two both yafid yeah, none आपको ये पता होगा कि जो हंटर गैदरस थे वो यहाँ से वहाँ घूमते थे क्यों घूमते थे एक तो फर्स्ट उनका रीज़न था इन सर्च ऑफ फूड और सेकेंड रीज़न था उनका बिकॉज ऑफ चेंज इन सीज़न जैसे कि विंटर सीजन है कुछ और आपका है तो वो यहाँ से वहाँ मूव करते थे विंटर सीजन में वो कोई केव शेल्टर जैसे भीम्बेडकर टाइप कुछ ढूंढते थे वहाँ जाके रहते थे उसके अगले सीजन में वो बारिश हो रही तब भी वैसा ही कुछ केव जैसे ढूंढते थे उसके अलावा अगर गर्मी का टाइम है तो वो खुली जगह ढूंढते थे तो वो यहाँ से वहाँ घूमते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड बिकॉज ऑफ चेंज इन सीजन तो बोथ आर द ऑप्शन आर करेक्ट इसका मतलब इसका ऑप्शन भी होगा सी फोर का भी सी नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स मेहरगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट आपकी नियोलिथिक साइट है ब्रह्मगिरी आर्कियोलॉजिकल साइट पेरोलिथिक साइट कुरनूल आपका अर्ली विलेज विच ऑफ द फॉलोइंग एब पेयर्स इज आर मैस्ड वन ओनली वन एंड टू One and three, या फिर ऑल ऑफ आपको पता ही है जो मेहरगढ़ आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं, वो आपकी न्यूलिथिक साइट है ठीक? तो सिर्फ इसका ऑप्शन हैिथिक साइट है कुरनूल आपकी पेलोलिथिक साइट है ठीक है, है तो आपके यही इतने क्वेश्चन अभी आज के लिए हैं आप तो दोस्तों यही सब क्वेश्चन आपके लिए आज है अभी और कोई डाउट हो या कुछ भी क्वेरी हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और अगर आपने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए